रूस यूक्रेन वॉर का आज 8वां दिन है। राजधानी कीव से खार्कीव तक चारों ओर तबाही का मंजर है। रूस एक के बाद एक शहरों पर कब्जा करता जा रहा है। कमजोर होने के बावजूद यूक्रेन भी मजबूती से रूसी सेना का मुकाबला कर रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है कि यूक्रेन रूस से लड़ने के लिए अपनी खुद की साइबर सेना यानी अपनी आईटी आर्मी बना रहा है। इसके लिए ऐसे लोगों की जरूरत है जो साइबर सिक्योरिटी में एक्सपर्ट हो। इस बात की जानकारी यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मिनिस्टर मिखाइलो फेडरोफ ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि हम आईटी आर्मी बना रहे हैं, हमें डिजिटल टैलेंट की जरूरत है, इसमें भर्ती सभी साइबर एक्सपर्ट जवानों को काम टेलीग्राम पर दिए जाएंगे, हर किसी के लिए काम होगा, हम लगातार साइबर फ्रंट पर रूस का सामना करते रहेंगे। गिजमोडो की रिपोर्ट के मुताबिक साइबर सेना के लिए पहला काम ये होगा कि वो डिनायल ऑफ सर्विस यानी DDoS लॉन्च करे ताकि रूस के 31 टारगेट्स को बर्बाद किया जा सके। इसमें सरकारी संस्थान, रूसी बैंक्स और रूसी व्यवसाय शामिल हैं। जिन लोगों को साइबर सिक्योरिटी की कम नॉलेज है उन्हें YouTube वीडियो पर काम करने को कहा गया है ताकि वो गलत सूचनाओं वाले युद्ध संबंधी वीडियो को सही कर सके या फिर उन्हें हटा सके। हालांकि अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि रूस पर अब तक हुए साइबर हमले में यूक्रेन की आईटी आर्मी का हाथ है या नहीं, लेकिन एक बात तो पुख्ता है कि एनोनिमस नाम के हैकर ने रूस के कई प्रमुख संस्थानों पर साइबर हमला करके उनकी हालत खराब कर दी थी। कई रूसी मीडिया संस्थानों में युद्ध के खिलाफ संदेश डिस्प्ले हुए थे। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी मीडिया संस्थान फोर्ब्स रसिया, फोन टांका और टेकी डेला वेबसाइट पर एक संदेश चला था कि प्रिय नागरिक, हम आपसे इस पागलपन को रोकने की अपील करते हैं, अपने बेटों और पति को मौत की तरफ मत भेजिए, पुतिन ने हम सबसे झूठ बोला है, हमारे जीवन को खतरे में डाला है। इसी के साथ ही दूसरा मैसेज ये आया था कि हम लोगों को पूरी दुनिया से अलग कर दिया गया है, तेल और गैस का व्यापार नहीं हो रहा है, अगले कुछ वर्षों में हम ऐसे जिएंगे जैसे उत्तर कोरिया के लोग जी रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, इस संदेश के अलावा कई रूसी वेबसाइट्स पर रूसी मौतों के आंकड़ों को जारी किया गया था जो आधिकारिक तौर पर रूस की सरकार की तरफ से जारी नहीं किए गए थे। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल TV9 भारतवर्ष डिजिटल।